बुध शब्द का अर्थ ही है वह जो जागृत हो गया है, वह जो प्रकाशित हो गया है, वह जो अब स्वप्न नहीं देख रहा है। और जब तुम स्वप्न नहीं देख रहे होते, जब तुम्हारे पास स्पष्टता होती है, तुम देख सकते हो और ये देखना ही तुम्हारे जीवन का निर्णायक कारण बन जाता है। जब तुम केवल वही करते हो जो किया जाना चाहिए और वह नहीं करते जो नहीं किया जाना चाहिए, ये सही और गलत के बीच भेद करने का प्रश्न नहीं है, ये तुम्हारे निद्रा से बाहर आने का प्रश्न है। जागो। इस जागरण की यात्रा में हम उस गहराई को पहचानते हैं जो हमारे भीतर मौजूद है। हम उन सभी सीमाओं को पार कर जाते हैं जो हमने खुद पर लगाई हैं। उन सभी विचारों से मुक्त हो जाते हैं जो हमें बांधे रखते हैं। हम समझते हैं कि जीवन में सच्ची प्रगति और दुख उस पल में है जब हम सच में जागृत होते हैं, जब हम अपनी सच्ची क्षमताओं को पहचानते हैं। ये जागरण एक ऐसा उपाय है जो जीवन की सभी सुंदरताओं को समझने की क्षमता देता है। हम सच्चे अर्थ में जीना शुरू करते हैं, हर पल को पूर्णता से जीते हैं। जब भी मैं बुध शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो याद रखना, मैं सिर्फ गौतम सिद्धार्थ की बात नहीं कर रहा, मैं बुध होने की क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। वो जो जाग गए हैं, कृष्ण, महावीर, जीसस, लाओत्ज़ू, बोधिधर्म, मीरा, नानक, ये सब बुध हैं, ये सब जागृत पुरुष हैं। आदमी बीज रूप में पैदा होता है और हर बीज की क्षमता है बुध होने की। इस सत्य को जीना, अध्यात्म को जीना है, अपनी पोटेंशियल की तरफ कदम बढ़ाना है। प्रणाम।